दीपक सिंह, मुन्ना यादव, गालिब खान, अबू अली, ये तमाम लोग हैं। और आज मैं देख रहा हूँ सलमान माफिया के छोटे भाई अरमाज खान को भी देखा जा रहा है। 6 ओवर का मुकाबला, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल, 2 ओवर का पावर प्ले। 6 ओवर का मुकाबला है, पहले 7 ओवर कहा गया था, लेकिन 6 ओवर का मुकाबला, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल। हैट्रिक छक्के पर 500 का इनाम उस्मान भाई पूना वाले की तरफ से। चलिए राशिद शेरवानी आओ, नवाज भाई किए हैं बॉलर, बहुत बड़ा विकेट बता रही है आबिद एंड कंपनी की, ये कितना बड़ा विकेट है। राशिद शेरवानी जिन्होंने कल लगातार छक्कों की बारिश की थी, आज पहले ही गेंद पर शिकार बन गए और निराश कदमों के साथ वापस आ रहे हैं। पहला सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुका है और पहली बार पर मिल गई है सफलता। राशिद शेरवानी डिंग डिंग डिंग। अब शहजाद बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं, शहजाद मंजीर पटी, एक ऐसा नाम क्रिकेट आजमगढ़ का जिसने बहुत कम वक्त में, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम, बहुत जबरदस्त खेल के जरिए हासिल किया है। गेंदबाज, गेंदबाज का नाम बता दें, रबाडा, रबाडा, अब्दुल भाई, रबाडा गेंदबाज, बिल्कुल अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के कबीसो रबाडा वैसे ही गेंदबाजी और इसीलिए इनको नाम दिया गया रबाडा स्पीड स्टार। पहले ही गेंद पर चकमा दिया है 6 ओवरों के इस सेमीफाइनल मुकाबले में। दूसरी गेंद के साथ शहजाद मंजीर पड़ी पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राइट हैंड ओवर द विकेट, राउट आर्म ओवर द विकेट, स्लो ओवर डिलीवरी, अच्छी तरीके से उसको देखा बाला और हल्के बैट से एक अच्छे मजे हुए बल्लेबाज की तरह पहले गेंद पर, क्योंकि पहला रन किसी भी बल्लेबाज के लिए, कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो उसके लिए पहला रन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अब हार्दिक जिन्होंने कल मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी राशिद शेरवानी के साथ की थी, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है। अब उनके लिए फील्ड की जमावट देखते हैं, आबिद विकेटकीपर, कैप्टन ऑफ द टीम, फाइन ग्रुप खरेवा, फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा के नाम से ये खेल रही टीम सेमीफाइनल मुकाबले में एक जबरदस्त टीम को सेटअप किया है। विकेटकीपर के साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए कोई भी खिलाड़ी ऑफ साइड बाउंड्री लाइन पर, सिर्फ लॉगान के खिलाड़ी को देखा जा रहा है और दो खिलाड़ी जो लॉगान और एक खिलाड़ी बिल्कुल लॉगान बाउंड्री लाइन पर तैयार। राइट हैंड ओवर द विकेट, रबाडा शॉट ऑफ लेन, हवा में उछली है लेकिन गेंद पहले बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, 4 रन का इशारा आया है और एक बाउंस का इशारा भी आ गया है अंपायर का। चौके के साथ खाता खुला है हार्दिक ने और चौके के साथ स्कोर 5 रन पर पहुंचता हुआ। आए हुए तमाम दर्शकों का मैं दिल की गहराइयों से उमर शेख की जानिब से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वादा डिलीवर, लवली पेसिंग, लवली स्लोअर कटर फ्रॉम रबाडा, बीटिंग द बैट्समैन ऑन हिज शॉट एंड चेकिंग द शॉट द लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम एंड लकी फॉर हिम दैट द बॉल नॉट टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बैट। स्कोर इज 5 ऑन द बोर्ड, 5 रनों का स्कोर, खचाखच भरा हुआ मोनारी का ये शानदार ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट का ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले का किनारा छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के पास और मेरे साथी कमेंटेटर धनंजय राय अर्जुन का भी आगमन हो चुका है। आइए स्वागत है आपका अरुषा जी, और आज मैं देख रहा हूँ दोनों ही पत्रकार के साथ साथ कमेंटेटर धनंजय राय अर्जुन और अब उसाद खास जी के साथ शाकिर फराही, उन्होंने गेंद उछली है, नो मैन्स लैंड में गई है, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को बढ़ा दिया है 6 रनों पर। एक शानदार शुरुआत की है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन, हर मुकाबले में मैं देख रहा हूँ मैन ऑफ द मैच की एक शानदार स्पोर्ट किट,
बीके स्पोर्ट बिलाल खान की जानिब से दी जा रही है और उमर शेख का साथ देने के लिए आपका भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। एचएम ग्रीन सिटी नाम दिया गया अल उमर क्रिकेट टूर्नामेंट, एचएम हिंदू मुस्लिम ग्रीन सिटी का ये शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट एक खुशनुमा माहौल में। चला सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जा, मिर्जा सलमान है टीमिया में बछली है उमर शेख ने। इससे पहले जो जीती है टीम इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने के लिए तमाम लोगों का स्वागत और शुक्रिया अदा किया गया है। एक ओवर के बाद स्कोर नसीरपुर शहजाद इलेवन चकिया नसीरपुर सेमीफाइनल जोगिंदर नसीरपुर और एक ओवर में सिर्फ 6 रन बने हैं। भाई गाली गलौज करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। साथ ही फ्रेश कमेंटेटर धनंजय राय अर्जुन को भी जोड़ूंगा और इस टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल। आइए एक ओवर की समाप्ति के बाद क्या कुछ होता है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सीनियर कमेंटेटर अबू साद भाई खास गए। शुक्रिया तालिब भाई। तो तमाम दर्शकों का स्वागत है इस सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में। हार्दिक है सामने, लगातार कल 3 छक्का लगाया था, 11,000 रुपए का इनाम बाबा पठान की जान से दूसरे ओवर की जिम्मेदारी के लिए लाया गया। और चलिए हार्दिक के बल्ले से ये सिक्स बिल्कुल स्टंप की लाइन में थी, ओपन के से बल्ले को चलाया लाइव के साथ है। 12 रन मिर्जा है भाई, बैटिंग वाली टीम में है, बैटिंग वाली टीम में भाई। फतनपुर की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम आ चुका है। फाइन बिल्डिंग मटेरियल अगर ये मुकाबला जीती है तो आसाद भाई फतनपुर की जान से जो है 10,000 की एक मोटी रकम दी जाएगी। तैयार हार्दिक उत्तर प्रदेश के में कार्यरत और इस बार बल्ले को हवा में चलाया था। अगली गेंद पट्टी हुई, क्या बल्ले का बाहरी सिरा है, अंपायर कह रहे भाई ओवर हाइट की और इसको ब्रेन वॉश कर रहे थे। और दोनों टीमों के लिए मेरी अपील है कि अगर कोई अंपायर से हुज्जत करेगा तो ये कमेटी बिल्कुल सख्त हो चुकी है। 5 रन शॉट कर दिया जाएगा, ओवर हाइट की और साथ ही साथ बाउंस करार दिया गया। लेग अंपायर मोहम्मद आसिक है और मेन अंपायर है रवि मिश्रा जी। बहुत ज्यादा हाइट के साथ गेंद पहुंची थी विकेट कीपर अब इतने आसाने में अपील कर रहे थे। अंपायर राजदीप ने कहा आप अपील क्यों कर रहे हैं मैं जानता हूं। शेयर करते रहिए भाई, लाइक को शेयर करते रहिए। स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 13 रन। अगली गेंद इस बार घूम कर खेला है, मौका मिला था और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। एक टप्पे के बाद 4 रन मिल जाएगा। 4 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 17। उद्घाटन मोहम्मद आरिफ अभी ब्लॉक कर दूंगा, फिर तो फोन करते फिरोगे कि भाई ओपन कर दो, भाई ओपन कर दो। तुमको जिससे दिक्कत है जाके उससे बोलो भाई, जाके अंपायर से गाली गलौज करो, यहाँ कमेंट में गाली गलौज करोगे अभी ब्लॉक हो जाओगे। और ये जो बल्लेबाज इस टाइप वाले शोर पर है, 11,000 रुपए कल जीते थे और बाबा पठान 11,000 हार्दिक ने जीता था, 11,000 ने जीता था, लेकिन इस बड़े मुकाबले में आज कुछ खास नहीं कर पाए। फील्डिंग की जमावट की बात की जाए तो पावर प्ले ऑन है, चर्चा करूंगा इस गेंद के बाद। फिर से घूम कर खेला है, इस बार फिर से डीप विकेट के बाहर, एक टप्पे के बाद 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 21 रन, 21 लास्ट ऑफ वन विकेट, फर्स्ट वन कंप्लीटेड, सेकेंड वन प्रोग्रेस। 84 इंच की 7 फुट की विनर ट्रॉफी एक चमचमाती हुई दी जाएगी। पहला मैच नसीरपुर जीती है भाई। तैयार अगली गेंद के साथ और फिर से बल्ले को चलाया है, गति में परिवर्तन किया और 1 रन क्यों मिला है, दूसरे के लिए निकल रहे हैं। और मैं देख रहा हूं जब तक शर्मा जाते गेंद को उठाते 2 रन मुकम्मल होता हुआ। 2 के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 23 रन। बिलाल खान बीके स्पोर्ट के ओनर है, प्रोप्राइटर है, हर मैच में मैन ऑफ द मैच उनकी तरफ से दिया जा रहा है और ये सिलसिला पहले दिन से जारी है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं उमर आपका और ये मुंतजमीन कमेटी। एचएम ग्रीन सिटी के नामे नामे इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, शुक्रिया बाबा पठान साहब आपका। अगली गेम भाई सादिक सुल्तान बहरैन में मधुर सी आवाज निकली है और जब मधुर सी आवाज
मैं कह सकता हूँ इससे अच्छी और खबर कोई नहीं हो सकती। 6 रन मिल जाएगा बल्लेबाज हार्दिक को और उस्मान 11 बकरा को। टोटल स्कोर जा पहुंचा इस छक्के के साथ 29। 23 रन आ चुका है अब तक इस वर्ष, इस ओवर में 23 रन आ चुका है। फिलहाल अगली गेंद के साथ तैयार है, जिसे हवा में गेंद है, फील्डर कोई नहीं और जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ दौड़ का 2 रन मुकम्मल किया। 2 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 31 रन। ओवर का ऐलान दूसरे ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड। भाई आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, यहाँ से नेटवर्क ठीक है, जहाँ से जब दिक्कत होती है मैं बता देता हूँ। इसके बाद जोगरी बनाम नसीरपुर सेकेंड सेमीफाइनल, कल उद्घाटन करता के सत्र में आए थे अबू सईद खान साहब, एचएम ग्रीन सिटी लखनऊ, ऋषिकांत राय जिला अध्यक्ष भाजपा, किसी हादसे के शिकार हुए हैं और पैर उनका जो है फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से आ नहीं पाएंगे। समापन करता रेहान खान जी, लाइव को शेयर करते रहे भाई, लाइव को शेयर वकार उत्तराखंड, और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ हसीब वर्तमान प्रधान नोनाली और आयाज भाई, ये समापन करता के प्रेरित है जिनका अपना खुद पता नहीं खुद ये ग्राउंड है, उन्होंने अपने कल्ब के पैमाने को छलकाया। सलमान मिर्जा बैटिंग वाली टीम में अफजल भाई, कोलाली, अनुपम पांडे, आरिफ शेख, मैं गुस्सा कर रहा हूँ भाई, अभी तो बैठा हूँ, आज की बात ही छोड़ो भाई। साहब टिकटॉकर अम्बेडकर नगर, सलमान बकरा राशिद और सोनू सत्तनपुर, गेंदबाज का नाम बता दे, गेंदबाज का नाम बता दे, वकार नए गेंदबाज। अगली गेंद के साथ तैयार है, क्या गेंदबाज वकार है तो अपर हैंड कर दे, वकार हाँ, ये सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल। राइट की मांग की थी, अंपायर ने पूरी तरह से नकारा और बल्लेबाज शहजाद अब वापस जाए, दोस्त वापस जाए, अंपायर का जो भी फैसला आएगा कतई और आखिरी होगा, ये तमाम टीमों के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है। वकार है तो अपर हैंड कर दे, जी हाँ ये वकार है, रायबरेली से ताल्लुक है इनका, बेहतरीन रायबरेली है बॉलर, और शकील बरेली भी है टीम में, बाएं हाथ का तेज के बाद और इस बार फिर से पटकी हुई गे, बिल्कुल जो है शोल्डर के ऊपर से स्टंप के बीचों बीच से पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर आबिद ने, अभी तक 2 गेंदों का खेल हुआ है, आज ही फाइनल है भाई, आज ही फाइनल है, रिंकू प्रदीप ये सब खिलाड़ी उसमें है, क्या नाम है, जोगरी में, जोगरी में आउट होने वाले बल्लेबाज राशिद भाई, मुझे नहीं मालूम जमाल मुबारक को रेली से ताल्लुक है, तैयार हो रहे हैं अगली गेंद को, राय को शेयर करते रहिए भाई, के लिए और गति में परिवर्तन किया था, बल्ला पहले चला, गेंद स्लो गति के साथ आई, एक और गेंद स्टार्ट होती हुई। आइए फील्डिंग की जमावट की बात की जाए, पावर प्ले के बाद 5 खिलाड़ी जो इस वक्त 30 यार्ड से बाहर है, एक खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ लगभग जो है मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच देखा जा रहा है, एक खिलाड़ी को उतारने पर है, एक खिलाड़ी लगान पर, एक खिलाड़ी तो मिड विकेट पर, ये 5 खिलाड़ी है, अगली गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला है, एक पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने और हार्दिक ने मना किया, हार्दिक ने मना किया, 2 रन नहीं लेंगे, खतरा हो सकता है। डॉक्टर सुहेल साहब, एमबीबीएस राम नोनाली, आपका भी खैर मकदम स्वागत और वेलकम है इस प्रांगण, इस खेल के मैदान में जुड़ने के लिए। धनंजय राय अर्जुन बेहतरीन जो कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 6 ओवर का मैच है, की जो कमेंट्री होगी मैं माइक्रोफोन उन्हीं के पास ले चलूंगा। वकार अभी तक 4 गेंदों का खेल हुआ है और 1 रन आए हैं, 4 गेंदों का खेल हुआ है, 1 रन आए हैं और हार्दिक उत्तर प्रदेश पुलिस का ये नौजवान सुल्तानपुर से इसका ताल्लुक, क्या करेगा अगली गेंद पर, और पटकी हुई गेंद इस बार ताकत और नजाकत का मिला जुला पहाड़, ये बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, 6 रन लीजिए, एक और छक्का, लाइव 3 चल रहा है भाई, ये बॉलर बल्ले से निकला है और स्कोर कार्ड इस छक्के के साथ जा पहुंचा, सलमान बैटिंग वाली टीम में है भाई, लाइव को शेयर करते रहो, कुल मिलाकर तीसरा लाइव को शेयर करते रहो भाई, तीसरे ओवर का खेल जारी है, तैयार अगले गेंद के साथ वकार, रायबरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, अगली गेंद बल्ले का बाहरी सिरा है, गेंद चली जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 42
तीन ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर चौथी ओवर की तीन ओवर बिल्कुल फ्रेश कमेंटेटर। गुड आफ्टरनून और चिलचिलाती कड़ी धूप जहां दर्शकों की परीक्षा है, जहां खिलाड़ियों की परीक्षा है, मैं अर्जुन आप सभी का अल उमर क्रिकेट टूर्नामेंट एचएम ग्रीन सिटी के सौजन्य से जो प्रस्तावित की गई है आप सभी का स्वागत और दिली अभिवादन करता हूं। कितना प्यारा और कितना मनोहर मुकाबला चल रहा है उस्मान 11 वर्सेज फाइन बिल्डिंग मटेरियल लक्सरेवा के बीच में, जहां टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है उस्मान 11 ने और निर्धारित 6 ओवरों के मुकाबले में 3 ओवर की समाप्ति के बाद सकता हूं कि इसको रुका हुआ है 42 रनों पर। स्कोरर बता रहे हैं कि प्रत्येक ओवर में 14 रन का रनोत्सव जा रहा है। रबाडा ने एक ओवर की बॉलिंग की है, कुल मिलाकर के एक विकेट महत्वपूर्ण झटका है, कुल 6 रन खर्चे हैं। बिलाल खान बड़े खर्चीले साबित हुए। बिलाल भाई एक मैच के बाद, अभी ये पहला सेमीफाइनल है, इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल फिर फाइनल, 17 रन का खर्चे है। इसके अलावा वकार अच्छी वापसी की शुरुआत के 3 गेंदों पर, लेकिन रन इन्होंने भी कुल मिलाकर के 2 अंकों में 11 खर्चे है। राशिद शून्य बनाकर आउट हुए। हार्दिक को मैं देख सकता हूं नाम के अनुरूप बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर शुरू हो रहा है, नाम जानना चाहूंगा गेंदबाज का, शायद रबाडा वाली मार्क्स पर राउंड रेगेट पहली गेंद इस बार स्टंप के बाहर उछाल लेकर और बाहर की तरफ चली जाएगी। अंपायर के इशारे का इंतजार कर रहा था, थोड़ा देर से जरूर लेकिन बड़ा मजबूत और बड़ा टिकाऊ इशारा है। व्हाइट का इशारा आता हुआ और अंपायर ने यह जजमेंट सुनाया है, यह फैसला सुनाया है कि यह फर्स्ट बाउंस है जो शोल्डर के ऊपर से निकली है, तो निश्चित तौर पर गेंदबाज के लिए चेतावनी है। स्कोर जा पहुंचा 43 रनों पर, 42 मार्क्स पर तैयार है। इस बार आगे निकल करके आए, फ्रंट फुट पर कमिट हो गए हैं। इस बार गेम को बहुत दिशा भर दे दी, ऑफ साइड में लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए 3-6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 49 रनों पर। 50 का एक जादू आंकड़ा जो विरोधी टीम के ऊपर मनोवैज्ञानिक असर छोड़ता है, उससे महज 1 रनों की दूरी पर मैं देख सकता हूं कि यहां उस्मान 11 पुणे बकरा की टीम अच्छी बल्लेबाजी चल रही है इस बल्लेबाज की तरफ से। जहां लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैं देख सकता हूं कि हार्दिक ने काफी हद तक तूफान मचाया है, 3 छक्के और 3 चौके की मदद से कुल मिलाकर के हार्दिक इस समय 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर मौका तारा छोटी गेंद पिछले तारे पर वजन झोंका और दिशा भर दे दी गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अब गेम की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज अंपायर का इशारा, 4 रन। क्या दर्शनीय स्ट्रोक है, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी चल रही है इस बल्लेबाज की तरफ से। जैसे ही देखते हैं गेंद छोटी और ड्राइव कर देते हैं पाइन लेग की तरफ, जैसे ही देखते हैं गेंद ओवर पिच फ्रंट फुट पर कमिट होकर के गेंद को लॉफ्ट कर देते हैं। और स्कोरर बता रहे हैं कि पिछले 2 गेंदों पर 2 बॉल पड़ी है और गेंदबाजों का मनोबल बिल्कुल टूटा टूटा दिख रहा है और अभी मन से कोई खड़ा नहीं होता। क्या वापसी कर पाएगा ये गेंदबाज, अंपायर से कुछ विचार विमर्श चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है। और एक अपडेट, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी मैं आपको देते चलूं कि भारतीय टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है, कुल स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिर क्या कुछ हो गया है, मैं बल्लेबाज देख सकता हूं रोहित शर्मा को 12 रन बना करके आउट हुए हैं। इसके अलावा मैच पर आइए, वापस चलते हैं, बॉलिंग बैक्स पर तैयार। पिछले 2 गेंदों पर 10 आए, उल्टा स्लो गेंदबाज थे इस बार, हल्के हाथों से गेंद को कलंगों के सहारे ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ दिशा भर दे दी। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका बड़ी आसानी के साथ चहलकदमी करके 1 रन ले लेने का। इसे सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर के शहजाद का मैं देख सकता हूं 14 पर और टीम का कुल स्कोर अब यहां से जा पहुंचा है 54 रनों पर। चौथा ओवर चल रहा है, तेज कड़ी चिलचिलाती धूप है। जो दर्शक फाइनल पर बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि छांव है, यहाँ बबूल के पेड़ के नीचे आइए, वहां बैठिए। यहाँ बाई तरफ मैं देख सकता हूँ कि बड़ी जगह खाली है, यहाँ आकर के बैठिए। इसी बीच अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से दबोचा, ड्राइव किया ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी लेफ्ट अंडर के लिए लाइव को शेयर करते रहिए भाई लोग करके थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास एक अच्छा मौका सिंगल पूरा कर लेने का। इसे सिंगल के साथ स्कोर कुल मिलाकर के जा पहुंचा है 55 रनों पर। मैं देख सकता हूं कि ये रबाडा का दूसरा ओवर है और स्कोरर बता रहे हैं कि रबाडा ने जहां पहले ओवर में 6 खर्चे, वहां रबाडा ने अब तक इस ओवर में कुल 12 रन खर्चे हैं। इसी बीच अगली गेंद उछाला है, एक खिलाड़ी आगे बढ़ा चला आ रहा है, एक बैकअप वहां जरूर होना चाहिए लेकिन अकेले हैं, उम्मीदें परवाह चल रही है। अब ये बल्लेबाज आउट होकर के पवेलियन चला जाएगा।
अगर सबकी गेंदबाजी और निश्चित तौर पर कहते हैं एक्सरसाइज में एक समय प्रॉफिट अभ्यास व्यक्ति को और ज्यादा पारंगत बनाता है। बार बार देख रहे थे आगे निकल करके गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है। इस बार गेंद की लंबाई थोड़ी छोटी कर दी और पहले बल्ला चलाया, गेंद हवा में ज्यादा ऊंचाई ले ली और बड़ी सहजता के साथ बड़े इत्मीनान के साथ कैच लपक करके बल्लेबाज को वापस भेज दिया है। उपस्थिति बलराम पांडे होगा, तली भाई को आमंत्रित करेंगे। दर्शकों की उपस्थिति तली भाई इस टूर्नामेंट में रंगत ला रही है। आज फाइनल दिन है और खचाखच भरा ये आजमगढ़ का नए बल्लेबाज बलराम पांडे बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि ये प्रयागराज के प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आइए देखते हैं कि त्रिवेणी का ये बल्लेबाज क्या करता है। जाकर के सर पर लगी है, प्रश्न पूछा जा रहा है अंपायर से क्या बैट का कोई किनारा है, लेकिन मजबूत अंपायरिंग तजुर्बा इनके पास है, रवि मिश्रा के पास। नकारा ओवर समाप्ति की घोषणा, पांचवा ओवर शुरू हो। आइए तालिब सिद्दीकी के साथ चार ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए उस्मान 11-55 नया ओवर शुरू हो। आइए तालिब सिद्दीकी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन हुए हैं, 55 रन चार ओवर की समाप्ति के बाद, और कहीं कहीं स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा जिस तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी, 6 ओवर में 95 रन भी कम पड़ गए और कल 8 भाई मुसाइब तो नहीं है। अब पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए बलराम पांडे प्रयागराज इलाहाबाद का ये शानदार खिलाड़ी। आज नुनारी आजमगढ़ की सरजमी पर अपने खेल के जवर को दिखाएगा, लेकिन जो खेल जो स्किल दिखाई है हार्दिक सुल्तानपुर ने इस बार लॉस कर दिया है। लगान बाउंड्री लाइन के बाहर एक और छक्का, जबरदस्त बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी की है हार्दिक ने। भाई जरूरी नहीं है सिर्फ खाना खाने में ही बिस्मिल्लाह किया जाए, घुमा रहे हैं, कहीं ना कहीं वापसी करनी पड़ेगी वकार। और जब पहली गेंद पर बाउंड्री लग जाए, 46 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हार्दिक, और अगर अर्धशतक लगाते हैं तो फैज बता रहे हैं कि लगातार तीसरा अर्धशतक जोगरी बनाम नसीरपुर जबरदस्त फॉर्म में है। दूसरा सेमीफाइनल भाई 6 ओवर का स्कोर तैयार, वकार क्या करेंगे। लेफ्ट आर्म डाउन, विकेट अंपायर रवि मिश्रा जी को क्रॉस किया है, इस बार गेंद वाले दिया, खिलाड़ी तो आ रहे हैं, क्या कैच कर पाएंगे जी नहीं, हवा का रास्ता तय करते हुए गेंद निकली है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अंपायर सिग्नल, इट्स कमिंग, जस्ट 4 रन्स, 50 रन पूरे हो चुके हार्दिक के, बल्ला उठा दे, अभिवादन स्वीकार करें, जबरदस्त बल्लेबाजी हार्दिक की। फैज हमारे स्कोरर बता रहे कि लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया है इस बल्लेबाज ने, क्या खूब भा रही है ये विकेट नुनारी की, शानदार क्रिकेट खेली है, अपने क्रिकेट से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 65 रन, बिलाल भाई का भी स्वागत हो चुका है और एक नई पारी के साथ आज इस टूर्नामेंट में जुड़े हैं। 65 रन का स्कोर, 65, अब थोड़ी सी परेशान दिख रही है आबिद खरेमा की टीम, लेकिन यहां से वापसी करनी पड़ेगी। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है, हार्दिक तैयार। अब आप साइड पर एक खिलाड़ी मैं देख रहा हूं, बाउंड्री लाइन पर तैयार है, वकार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉट आ गया, उसको एक बल्ले एक हाथ से निकाला जरूर है, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क बहुत अच्छा नहीं हुआ, हल्की सी मिसलीड, और यहां पर बहुत बड़ी गलती। कहते हैं कि नेवर टेक अ रन ऑन अ मिसलीड, कभी भी जो क्रिकेट के कोचेस हमेशा कहते हैं कि बिना बहुत बड़ी गलती की है कि मिस फील्ड पे रन नहीं लेना चाहिए, और आज बहुत प्यारी बल्लेबाजी कर रहे थे और शायद इस तरीके से ही आप हार्दिक को आउट कर सकते थे। आउट होकर जा रहे हैं हार्दिक, लेकिन क्या खूब बल्लेबाजी की है, 51 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। स्कोर इस वक्त 66-66 का है, पांचवा ओवर पारी का चल रहा है। 6 ओवरों के इस मुकाबले में जो दर्शक देरी से जुड़े इस एचएम ग्रीन सिटी अल उमर क्रिकेट टूर्नामेंट में, मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। उस्मान इलेवन पूना बखरा की टीम जो बल्लेबाजी कर रही है, और टीम साइन बिल्डिंग
खरेवा इस वक्त गेंदबाजी कर रही है, अच्छा खेल दिखा रही है। अगर टीम हार्दिक को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई है, लेकिन बलराम पांडे को कुछ करना पड़ेगा, मुस्तकीम को कुछ करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। बकार को अगली गेंद के साथ तैयार, लेकिन स्टंप पर बटी हुई गेंद संभवतः यह वाइट होगी। जी हाँ, अंपायर का सिग्नल आ गया है वाइट का। आइए राइट हैंडेड बल्लेबाज मुस्तकीम के लिए फील्ड की जमावट देखते हैं। एक खिलाड़ी लॉगान बाउंड्री लाइन पर तैनात, एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल सीध में बाउंड्री लाइन पर किसी भी संभावित कैच के लिए। तीन खिलाड़ी ऑफ साइड, दो खिलाड़ी ऑफ साइड बाउंड्री लाइन पर, तीन खिलाड़ी लेफ्ट साइड पर। 67 इज द स्कोर। हियर वी गो, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, नो स्कोर। मुस्तकीम लॉस्ट इट, just one bounce straight to the fielder at the square leg, and the ball, the before fielder, the shank comes to the hand of the bowler, the batsman got a single. Abzal Abi sahab aa jaye kavra, score 68, 68 kavra ghani se Abzal sahab aur Abi sahab aa jaye, score 68 ka hai. Wakar ki agli gate, is baar Balram Pandey ne usko hawaii ka rasta zarur tay kiya, लेकिन बीके स्पोर्ट के ओनर बिलाल खान की तरफ गेंद जब तक पहुंचती एक रन के साथ वापस की जाती, स्कोर पहुंचा 69 पर। 69 रनों का निजी स्कोर, पांचवें ओवर की ये गेंदबाजी, पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस अल उमर क्रिकेट टूर्नामेंट, एच एम ग्रीन सिटी का ये शानदार मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला तैयार। मकान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी कर रहे हैं के लिए, खिलाड़ी अपने आप को वापस संतुलित कर रहे हैं कैच के लिए, और एक और बल्लेबाज को खो दिया है, एक और आघात लगा है, बहुत बड़ा आघात। स्कोर इस वक्त 69 का है, 69 रनों का है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं टीम थोड़ी सी परेशान दिख रही है, उस्मान 11 पुना बकरा की, कहीं ना कहीं कम से कम 6 ओवर में 90 से 95 रन बनाना पड़ेगा। और एक बार फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता जनाब बाबा पठान, एच एम ग्रीन सिटी लखनऊ, अबू सईद खान साहब, जिनकी जानिब से 1,00,000 की विनर प्राइज दी गई इस टूर्नामेंट को, उमर शेख साहब को, और साथ ही साथ कल हैट्रिक छक्के पर 11,000 का इनाम भी लगाया था, साथ ही साथ फुरकान खान कुंदनपुर, साथ ही साथ ऋषि कांत राय जिलाध्यक्ष भाजपा, जो आज हमारे बीच नहीं आ पाए किसी कारणों की वजह से, लेकिन इस टूर्नामेंट का समापन होगा जनाब रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप उत्तराखंड और जनाब हसीब खा प्रधान साहब नलारी के हाथों से होना है। तो तैयार है बल्लेबाज, अब बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर इज 69। आइए, पांच ओवर का खेल खत्म हो चुका है और पांच ओवर में बने हैं 69। आखिरी ओवर में क्या कुछ होता है, एक ओवर में कितने रन बनाएंगे, गेंदबाज का नाम बता दें। तो तैयार है नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार गेंद को लॉस करना चाहते थे, ऊपरी सिरा लगा है, लेकिन गेंद नो मैन्स लैंड में गई है, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। हाय भाई मिर्जा भी है, अब तक बल्ले को कनेक्ट है, गेंद नहीं हुई है, एक के साथ स्कोर पहुंचा है 70 रनों पर। 70 रन बन चुके हैं और 5 गेंदों का खेल बचा है, कितने रन बनेंगे। सैफ मंजीर पट्टी पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 5 गेंदों का खेल बचा है, 5 गेंद पर कितने रन बनाए जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जितने रन बनाए जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनाएंगे फिर आपके गेंदबाज भाई बिलाल हैं। लेकिन 70 के बाद अगर यहां से 10 से 15 रन बन जाए तो काम बन सकता है। तैयार है लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, सामने है बल्लेबाज सैफ, क्या करेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट क्रॉस किया, इस बार गेंद को निकाला है, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया और मिडिल ऑफ द पैड से गेंद को हाइस कर दिया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, खिलाड़ी के पास मौका नहीं मिला उस गेंद तक पहुंचने का और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। क्राउड कैच पर बॉम्बे ज्वेलर्स सरायमीर ओनर नुमान इरफान साहब की तरफ से 100 का इनाम,
दिया जा रहा है। उस इनिंग के बाद सूरज कौशल गांव जिन्होंने क्राउड कैच किया है आ जाएंगे, अपना इनाम ले लेंगे। तैयार लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सैफ के लिए, गेंद हवा में उठी है, फाइल लेकर दिशा से जा रही है, बाउंड्री की तरफ भरपूर कोशिश की गई लेकिन कोशिश नाकामयाब हो गई। बाउंड्री पहले वाला नसीरपुर लगातार चौका हाँ भाई वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। की है कुल टीम बुलाए बरेली देखियो देखियो बुला बुला के जो ने अरे चल अंबेडकर नगर बड़ी तगड़ी टीम रही की। स्कोर इज 79 ओन द बोर्ड इन द लास्ट ओवर ऑफ द गेम। तैयार बल्ला निकाला है हेलीकॉप्टर का शॉट लेकिन गेंद पहुंची है रवाना के पास। एक के साथ दोनों बल्लेबाज होंगे, यहां पर संतुष्ट करना पड़ेगा। एक के साथ स्कोर पहुंचा 80। हाँ भाई सलमान का मैच है, सलमान बैटिंग वाली टीम में है, अभी अभी बॉलिंग करने आएंगे। नसीरपुर जीती है या करमैनी, नसीरपुर सेमीफाइनल में है, उसका मैच होगा जोगरी से। 80 रन बने हैं। बहुत ही प्यारा शॉट, 6 रन के साथ स्कोर 86, 87 का टारगेट है। 87 का टारगेट है भाई, 87 का टारगेट है। क्या लगता है 4 चेज हो पाएगा 6 ओवर? बाबू राव कदम, अरे यार बाबू राव अब्बा इन्हें तोरे लगे हैं। वही तोरे लगा मट रही है तो क्या बाबू भाई, थोड़ा तैयारियन हो जाए, थोड़ा तैयारियन हो जाए तो कहीं ना वही बढ़िया पे। लेकिन टीम है एक खिलाड़ी इसे राय चाहिए टीम में मट्टी के विकेट और आते हैं ना, अब्बा को खेलना पड़ता बॉलर अच्छे अच्छे आ जाते हैं। कितना टाइट है बे हो वाला ना है की कहे वो करा ना बस होइगो होइगो होइगो। क्या पहला ओवर सलमान मिर्ज़ा करेंगे? अरे बाप रे बाप, पानी दो, पानी पिया भाई अफ्ताब भाई, पानी दो भाई। हाजी साहब का दिन कम जौन है। हाँ भाई नुमान की टीम हार चुकी है, बाबू राव कदम आ गए हैं, बलराम पांडे को कोई बताओ। मुबारकपुर की कोई टीम भाई नहीं, मुबारकपुर की तो कोई टीम नहीं है। सेमीफाइनल हो रहा है, फर्स्ट सेमीफाइनल हो रहा है, इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल होगा जोगरी बनाम नसीरपुर का। हुआ है सलमान, अरे वो बॉलर है भैया, बहुत तगड़ा बॉलर है, एनर्जी कम हो जाए ना ही, तो जब बॉलर बैट्समैन रहे ना उसे अच्छे रहे तो कैसे सारी चीज होता है ना। जहाँ से लाइव चला था कहो
कीपर है कबड्डी कितने लोग लाइव दिखा रहे हैं दिखाओ भैया वो क्या करेंगे आप जान के तीन लोग दिखा रहे हैं अफ्ताब भाई दिखा रहा है मैं दिखा रहा हूँ एमएस स्पोर्ट लाइव वो तो शुरू से ही चल रहा है रवि बनारस तो नहीं है किसी टीम में भाई रात हो जाएगी फिर हम लोग साढ़े 9:30 बजे पहुंच गए थे अपने यार आज भी लास्ट मैच हुई ना हम लोग का नहीं अपने यार इलाके में टूर्नामेंट तो हां ना चला था भाई नहीं लंबा पड़ी सहरियम ना है मैदान निजामबाद के लगा सहरिया निजामबाद सटे है भाई मैच रुका है इनिंग अभी कंप्लीट हुई है आज भाई जमन अनरमो करा रही मुझे मौका लगा था पानी पिया भाई पानी पिया पानिया पी ले अफ्ताब भाई क्या अफ्ताब भाई मम्मा पी ले बाबू ना कदम चर्चे में देखो इतने चर्चे में तो कौन खिलाड़ी आज ना अरे भैया इतनी आसानी से नहीं बना रहा नहीं है मतलब मैदानों में हाँ मैदानों में आज ना रही है हाँ भाई बखरा ही की टीम है ये क्या भाई बने दो मंजीर पट्टी की टीम है बखरा के नाम से खेल रही है अमजद इलेवन उस्मान बेचारा धुपिया में बैठा मुका देख के नहीं लगा अरे यार कुछ चक्कर कल खेबे छतरिया का की छतरिया का की छुटकी वाली वो अपने मन से जो उन्हें मन बहन करता है देखा थे गुस्सौड़ी है ना बहुत गुस्सौड़ी और क्या यही मारे मैं कहती हूँ के बैठे हनुमान मिर्जा कृष्णा मूर्ति भैया इस टीम की बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है सलमान मिर्जा कृष्णा मूर्ति बलराम पांडे पहला ओवर कृष्णमूर्ति 6 ओवरों में 87 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए और क्या होगा देखा जाएगा लेकिन मैं देख रहा हूँ एसएस लैपटॉप कुंदनपुर हमारे साथ पहला सेमीफाइनल चल रहा है यहाँ पे आप कृष्णमूर्ति सेकंड हैंड लैपटॉप आप बल्लेबाजी रेट में पा सकते हैं एसएस लैपटॉप कुंदनपुर परवेज आलम साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका भी मोस्ट वेलकम किया जा रहा है साथ में मैं देख रहा हूँ मतुल्ला भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं सादिक कोयस से कतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया है भैया ना हम लोग के कहने से मैच रुकता है ना हम लोग के कहने से मैच स्टार्ट होता है शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे तारिक सईद जोसेंट और धनंजय राय फ्रॉम जौनपुर हमारे साथी कमेंटेटर की भूमिका में इस वक्त देखे जा सकते हैं तो और यहां से चलते हैं ये कृष्णमूर्ति पहले ओवर की जिम्मेदारी कृष्णमूर्ति के ऊपर और वाइट इसी के साथ हो वाइट और मैं बताना चाहता हूँ कि सूरज कुशल गावा आ जाए सूरज कुशल गावा जो बॉम्बे
नौमान शेख के साथ में क्राउड कैच रखा है 100 रुपए कई नामा को ले जाए कुशल गावा सूरज और तमाम दर्शकों के लिए क्राउड कैच है बॉम्बे ज्वेलर्स की जानी से और शहनवाज के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ से आपके लिए एक और खूबसूरत चौका इस चौके के साथ यहाँ से स्कोर जा पहुंचा है टीम फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा का 5 रन और 6 ओवर के हट गवा रहा है गवा उसामा भाई किसी टीम में नहीं खेला है यहाँ पर उस्मान 11 टोने ने 6 ओवरों में 87 रन का टारगेट दिया है तो शहनवाज है स्ट्राइक पर अन स्ट्राइक पर है बीके स्पोर्ट के ऑनर बिलाल खान तो भाई ये भाई बड़ा मैच तो नहीं जो ये है ग्राम सभा मैच है मुंडियार में चल रहा है सहरिया में चल रहा है तो एक क्राउड कैच किया है और तो फैल जाएगी तमाम दर्शकों के भाई फूल बॉम्बे ज्वेलर्स राय में मोटे शहनवाज के लिए ये देखिए शहनवाज लिफ्टी के आशीर्वाद राशिद ने कैच आउट किया और पहला विकेट मिल गया है शेरवानी ने जो उम्मीद थी यहाँ पर फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरीवा को वहाँ पर खड़े नहीं कर पाए शहनवाज बद्दपुरी शुक्रिया भाई कैच आउट होकर पवेलियन जाते हुए अब देखना है यहाँ से कौन होता है नए बल्लेबाज शकील जामिया कप भावपुर के मास्टर जावेद साहब को देखा जा सकता है बहुत ही बड़ा मुकाबला किया था जामिया कप भावपुर मध्य आप तमाम लाइव देखने वाले आप देख सकते हैं मास्टर जावेद साहब का इस टूर्नामेंट में हार्दिक अभिनंदन खैर मकदम इस्तेमाल है मास्टर जावेद साहब भावपुर जौनपुर जामिया कप के ऑनर तो अब यहाँ से जा रहे हैं बल्लेबाज बल्लेबाज का नाम बता दे भाई आबिद शकील आज बाबूराव भाई 12th मैन और बिलाल के कंधों पर 6 ओवर में 87 कृष्णा मोटे नोमान कंपनी का एक शानदार प्लेयर लगातार खेला करता है और इस वक्त हार देखा जा सकता है यहाँ पर कृष्णा मोटे मौका बोला था कुल मिला था इधर अरे राशिद भाई तेरा दोस्त ढेर है पाम में यार नहीं है वो परेशान है यार जब पैको पाओ तो लग के भाई मैं पहचाना तो कृष्णा मूर्ति इलाहाबाद का खिलाड़ी है कृष्णा मूर्ति एक शानदार इलाहाबादी मौका बोल है दे यार कंपनी से खेला करता है जेसीबी तगड़ी है शकील के लिए का शानदार बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है मैं बता रहा था जामिया कप के ऑनर जान जौनपुर भाईपुर को मास्टर जावेद साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं इस एटीएम ग्रीन सिटी अलोमर के टूर्नामेंट में जुड़ चुके हैं और यहाँ पर देखना क्या होता है और यहाँ से खेला है जब तक रंगाट की दिशा में 1 रन पूरा किया है जब तक अगला निकेट को सेल किया है 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 10 रन नहीं भाई वो सामान नहीं है 87 रन का टारगेट दिया है यहाँ पर उस्मान 11 पुणे ने रोका कैसवा खाए दे यार तुमने कमेंट कर टारगेट दिया है तो वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त खरेवा की टीम से जुड़े हुए हैं सलमान मिर्जा कृष्णा मूर्ति मास्टर जावेद साहब दूसरी तरह पर ठीक है मिलेंगे तो यहाँ पर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तमाम टूर्नामेंट में इन दोनों खिलाड़ियों का जलवा रहा है तो अब आए हैं सलमान मिर्जा संजय पुर अब आए हैं सलमान मिर्जा अरे यार भाई तो है दूसरे ओवर की जिम्मेदारी सलमान मिर्जा को यहाँ पर देखना है कि क्राउड कैश पर 100 रुपए रखा है बॉम्बे ज्वेलर्स मतलब करा थोड़ा सा आगे पीछे दिखावा 77 ओवरों की जरूरत
10 रन बन चुके हैं पहले ओवर में। सलमान मिर्जा जिसे कैफियत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये नेपाल से चलकर आए, नेपाल से दो रोज पहले एक बार टूर्नामेंट खेलकर आए। मोहम्मद साहिब, अच्छा भाई, वालेकुम सलाम। 28 सिक्स लगाया था, 17 लगाया था, हाँ भाई भाई। सलमान मिर्जा के चले हैं पहली गेंद इस बार, लेकिन यहाँ से इरफान भाई जो समझ नहीं पाए सकें, और वन बाउंस हो चुकी है सलमान मिर्जा की, एक बार हो चुकी है तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ से पुणे उस्मान अलीवन पुणे और फाइन बिलिंग मजरील खेमा के सामने यह मुकाबला चलता हुआ। सलमान मिर्जा चले अंपायर की सलाह वत नसीर के विकेट पर बचे गेंद की शक्ल के लिए, और उनका खेला है जैसे आगे मुस्तकिल रह रहे हैं कवर के ऊपर से, यहाँ से एक रन आया, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 रन का स्कोर होता हुआ। कल जो है बाबा पठान डायरेक्टर ऑफ द ग्रीन सिटी एचएन ग्रीन सिटी के ऑनर और बाबा पठान इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करने के लिए आए, और इतना जबरदस्त पुरजोर इस्तेमाल किया गया, फूल मालाओं से उन्हें नवाजा गया, और उन्होंने बाबा पठान ने यहाँ पर हैट्रिक सिक्स पर 11,000 रूपए का इनाम रखा था, वो इनाम राशि शेरवानी ने और हार्दिक सुल्तान दोनों ने हासिल किया था हैट्रिक सिक्स लगाकर। और ये अनुमर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल डे पूरी तरह से कामयाबी की दहलीज पर पहुंचता हुआ। यहाँ से सलमान मिर्जा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है सलमान मिर्जा के लिए, और तालिब भाई जो मेरे यहाँ पर लगाए बैठे थे शहनवाज बद्धपुरी के एक फैन थे कि शहनवाज गए हैं अभी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, वालेकुम सलाम वसीम अजीज बद्धपुर, खास नहीं कर पाए शहनवाज भाई, गाली गलौज करोगे तो ब्लॉक हो गए यार। सबसे रिक्वेस्ट है जिसको जो प्रॉब्लम है वो जाके कमेटी में अंपायर से गाली गलौज करे, मेरे लाइव में गाली गलौज करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, किसी को खराब लगे तो उससे सॉरी। इस अपील पर कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं, यहाँ पर जबरदस्त अपील किया था, लेकिन दोनों अंपायर देख रहा है कि अपनी जगह से टेस्ट मच नहीं हुए, अब दोनों आपस में मशवरा करेंगे उसके बाद डिसीजन देंगे कि इस गेंद पर क्या विकेट गया था या नहीं। मामला बहुत बारीक ही है, अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर नॉट आउट, और ये देखिए अंपायर रवि मिश्रा फ्रॉम देवरिया, नो एक्शन नो कमेंट भाई अंपायर रवि मिश्रा, शानदार अंपायरिंग करते हुए मैं उत्तर प्रदेश में बिहार दो सूबों में यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं रवि मिश्रा जी, तो मैं देख रहा हूँ कि तमाम टूर्नामेंट उन्होंने बहुत ही अपने खूबसूरत अंदाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, जो सही डिसीजन लिया है उन्होंने तमाम खिलाड़ी ने एक्सेप्ट किया है, नो डाउट। अब मेरे साथ क्या बुरा करोगे, जो करना है कर लेना, कर्मैनी वाले हैं भैया, जो गलत किया है जो सही किया है तुम अंपायर से समझो कमेटी से समझो। सलमान मिर्जा बिलाल के लिए, और ये आप इस साइड ऊपर देख रहा बिलाल, हाई फाइव का सिंगल बिलाल, ये स्कोर बिलाल खान, व्हाट अ शॉट, क्या लाजवाब बल्लेबाजी बिलाल के स्कोर की, सलमान मिर्जा के इस ओवर में एक शानदार स्टेट सिक्स लगाया है, इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 17 रन। सलमान मिर्जा अगली गेंद बिलाल खान के लिए, क्या लाजवाब प्रदर्शन, क्या सलमान मिर्जा अभी तो बड़े गेंद किया है, क्या लाजवाब बल्लेबाजी बीके स्पोर्ट की जानिब से, मैन ऑफ द मैच भी दिया जा रहा है बिलाल खान की जानिब से, और यहां से लगातार दो सिक्स लगाया है, अरे यार क्या एंजॉय कर रहा था यार, तमाम कारोबार के लिए मैं बताना चाहता हूँ बॉम्बे ज्वेलर्स सरामी 100 रुपए के नाम दे रहा है, बॉम्बे ज्वेलर्स सरामी
दो सिक्स लगाकर खलबली मचा दिया है। बिलाल ने यहाँ पर राशिद एंड कंपनी, सलमान एंड कंपनी के खेमे में, उस्मान अलेवन पुणे के खेमे में पूरी तरह से खलबली मचा दिया है बिलाल खान। इसी बीच अभी और इस बार देखना है क्या होता है, भीड़ से वहां पर खेला है इस कार्य की दिशा में एक मिलेगा, इसलिए जो उनके साथ इसको जा पहुंचा 24 दो ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 24 रन। बिना बल्लेबाज के हिफाजत के कोई खिलाड़ी अंदर नहीं जा सकता, रन शॉट कर दिया जाएगा। ये अंपायर रवि मिश्रा का अनाउंसमेंट है कि अगर बल्लेबाज को पूरी जरूरत पड़ेगी उनकी तरफ से सारा होगा तभी कोई एंट्री कर सकता है अंदर, बार बार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। टॉस कराने दोस्तों, अगर टॉस कराने आसिम गाली दे थे तुम इंजॉय कर रहे थे, मैं इंजॉय कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर कोई गाली देगा। भैया माजरत के साथ कमेटी ने बोला है सबका कमेंट बंद करने का, मैंने बंद कर दिया है। जिसको गाली गलौज करना है कमेटी में बात करके अपना समझ ले भाई। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, इस वक्त बिलाल खान ने दो सिक्स सलमान मिर्जा के ओवर में बहुत ही शानदार छक्का लगाया है। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है कृष्णा मूर्ति इलाहाबाद से चल कर आए। मैं पहले से बता रहा था कि ऑल ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट है चमगिरी सिटी में आए टॉप कैप्टन नसीर को। अकबर खान कहाँ है, अकबर खान आसिम कासिम बाबू तो कृष्णा मूर्ति यहाँ पर पहली जो यहाँ से देखना चाहिए तुम समय एक रन मिलेगा लेग बाई का शायद अंपायर का इशारा होगा, एक रन धोकर पूरा किया है। एक रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। आए टास्कर कैप्टन जोहरी यहाँ पर मौजूद है, कैप्टन नसीरपुर आसिम कासिम अकबर खान आए टास्क वाले दोस्त। आपका यहाँ से अगला मुकाबला होना है, ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बार बार जो है डिस्टर्ब होगा, अंपायर को डिस्टर्ब किया जाएगा तो 5 रन साठ कर दिया जाएगा। जो अंपायर अपना गेम खिला रहे हैं उनको खिला लेंगे। हर गेट पर मैच रुकेगा, हर गेट पर तो वक्त जो है ज्यादा होगा, वक्त की खराबी होगी। तो यहां से लेग बाई का एक रन है, टोटल स्कोर 25 रन। कृष्णा मूर्ति इस वक्त अब देखा जा सकता है तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कृष्णा मूर्ति के कदम पर सौंपी गई है। सामने शकील बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के रूप में शकील को लगाया गया है और यहां से देखना अब तक स्कोर 25 रन। यहां पर 87 के जवाब में 6 ओवर में 87 रन का टारगेट दिया था यहां पर स्मार्ट 11 पुणे मजूर पट्टी ने, तो अब उसका सामना कर रही है यहाँ एम्पॉइंट बिल्डिंग मटेरियल खरोना कृष्णा मूर्ति, एक शानदार खिलाड़ी, एक बड़ा प्लेयर इस वक्त गेंदबाजी के लिए शकील के लिए लाजवाब बल्लेबाजी शकील के बल्ले से देखने को मिल रही है। इस शक्के के साथ इसको जा पहुंचा 31-31। ताज जीता नसीरपुर शहजाद 11 चकिया ने और ताज जीता पर फील्डिंग करने का फैसला लिया है। तैयार हो जाए कृष्णा मूर्ति को यहाँ पर सिक्स लगाया और इस शक्के के साथ स्कोर पहुंचा दिया है 31। कृष्णा मूर्ति चले सीमेज शकील वहां पर 31 का स्कोर यहाँ पहुंचता हुआ यहाँ 87 के जवाब में तो किस समाप्ति 35 ओवर पर अभी पड़े कृष्णा मूर्ति द्वारा शकील इस साइड पर है। शहजाद 11 चकिया उसे ना बदले टॉस जीता पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इस बार फिर शॉट
कहा गवाह शकील ने बहुत शानदार दो सिक्स लगाया तीसरा मूर्ति के इस ओवर में और इसी के साथ 37 हड्डो छोड़ दिया तो हड्डो घुस गई है मैदान में तीसरा मूर्ति चले इसी बीच शकील के लिए अंबा के सारा में जाना चाहते हो चारों रुकनी ब्यूटीफुल ईशा भाई शकील क्या शानदार क्या लाजवाब जारखान अंदाज की बल्लेबाजी करते हुए बीके स्कोर बिलाल खान और शकील इस वक्त इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 41 41 रन अब यहां से 46 रनों की जरूरत क्राउड केस पर 100 रुपए के नाम बॉम्बे ज्वेलर्स स्वामी दे रहा है तमाम दर्शकों के लिए शकील कृष्णा मूर्ति चले इसी बीच अंपायर दूसरे के इंतजार अंपायर का इशारा हुआ दोनों से गेंद के ऊपर पहुंचे गेंद की है शकील के लिए यहां पर देखना है क्या होता है रन गेंद को फील करते हैं और यहां से एक और चौका आता हुआ ब्यूटीफुल शकील और की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा पैतालीस 45 3 ओवर की समाप्ति पर 45 रन का स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर फाइन बिल्डिंग में टेबल खड़ा क्या आगे की कमेटी हमारे साथ ताली शाही 64 वाले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंच चुका है 45 45 जीतने के लिए 42 की जरूरत 18 गेंदें 42 रन मुकाबला कहीं भी जा सकता है कोई भी मुकाबला जीत सकता है यहां से क्या जबरदस्त बल्लेबाजी शकील ने की है पिछले 4-5 गेंदों पर लगातार 5 बाउंड्री लगाई है और कहीं ना कहीं मुकाबले को अपनी टीम के पक्ष में कर दिया है मैं तालिफ शेख का तमाम दर्शकों का अपने तमाम मेहमानों का दिल के गहराइयों से स्वागत कर रहा हूं इस अल उमर क्रिकेट टूर्नामेंट एचएम ग्रीन सिटी के इस शानदार मुकाबले में यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला है मटेरियल खरेवा उस्मान 11 पूना बखरा की टीम 6 ओवरों में करते हुए बनाई थी 86-87 का टारगेट था उसके बाद क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है शकील ने और अभी भी बिलाल विकेट पर मौजूद है और बिलाल वीके स्पोर्ट के ओनर है कल इन्होंने सहरिया में 23 गेंदों पर 106 की शानदार पारी खेली थी वैसे ही पारी की जरूरत है लेकिन सलमान मिर्जा के हाथ में है इनको आजमगढ़ का सुपरमैन कहा जाता है हाथ में गेंद हो तो गेंद के साथ कैफियत एक्सप्रेस बन जाते हैं अब यहाँ पे जरूरत उस रफ्तार के साथ साथ विकेट लेने की सलमान मिर्जा तैयार सामने वाले छोर से बहुत ही बड़े ओवर के लिए ये रही पहली गेंद पैरों पर उसको निकाल दिया है शहजाद के पास गेंद जब तक फील्ड की जाए दौड़कर एक रन पूरा कर लिया है कह सकता हूँ कि इस टूर्नामेंट इस मुकाबले का ये टर्निंग पॉइंट ओवर है सलमान मिर्जा का अगर इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगी तो फिर मुकाबला बन जाएगा टीम खरेवा के लिए लेकिन वही जरूरत है बिलाल और शकील जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त एक लोकी वन मैन आर्मी बनकर हो रहे हैं अपने इस मुकाबले के लिए इस टूर्नामेंट के इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए स्कोर कार्ड इस वक्त शो कर रहा है कुल मिलाकर 46 ऑन द बोर्ड देयर इज अ सेफ इन प्लेस विद मोहम्मद राशिद ही हैज टेकन अ ब्लाइंडर ऑफ द कैच ऑफ द फर्स्ट बैट्समैन ऑफ शहनवाज हु हैज स्ट्रक अ बाउंड्री एंड ट्राइड टू गो फॉर द शॉट ऑन द लेग साइड एंड व्हाट अ ब्लाइंडर ही हैज टेकन हियर वी गो सलमान मिर्जा विद अ बिग रन ऑफ क्रॉसिंग द अंपायर राशिद रविनिशा आउटसाइड ऑफ द स्टंप for important run
स्वागत टीम। बहुत बड़ा ये चौका लगाया है, क्या खूबसूरती के साथ ये शकील बल्लेबाजी कर रहा है। और कभी आजम देते शकील आजमी ने भी ये कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। और वो शकील आज अपनी टीम के लिए काम कर रहा है। राइट एंड ओवर का विकेट फुल टॉस पर लेते लेते लोग को हिट कर दिया है, ये चली जा रही है किया है, दूसरे के लिए जा रहे हैं और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दो रन पूरे कर लिए हैं। क्या बेहतरीन खेल चलता हुआ स्कोर इन दो रनों के साथ पहुंच चुका है 52 रनों पर, यानी रनों का जो फासला है, अंतर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम कर दिया है शकील ने। अब यहाँ से शकील और बिलाल खान के ऊपर जिम्मेदारी अपनी टीम की नैया को पार लगा पाने की। ये अभी गो शकील मिर्जा, सलमान मिर्जा क्रॉसिंग नियम पार, ये शोर बता रहा है कि टूर्नामेंट कितना कामयाब होने वाला है। क्या प्यारी बल्लेबाजी की है, स्कोर जा पहुंचा है 58, सलमान मिर्जा को है। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम, खेला है जरूर गेंद को लेकिन बल्ले का किनारा लगा या नहीं अंपायर का इशारा होना बाकी है, बल्ले का किनारा लगकर गेंद उलझी थी और एक के साथ स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर 59 बाबूराव कदम परेशान दिख रहे हैं टीम के कोच। और अभी भी 87 रनों का टारगेट, 28 रन यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए, बहुत बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। विनर जो होगी फाइनल में पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्रॉफी उमर शेख लेकर आए हैं। अभी गो सलमान मिर्जा की बिलाल सच कहते हैं कि किस्मत बहादुरों का साथ दिया करती है, कि किस्मत बहादुरों का साथ दिया करती है। फॉर्च्यून ऑलवेज सेवर्स द ब्रेव, स्कोर 4 ओवर के खेल के बाद पहुंच चुका है 63-24 की जरूरत, 12 गेंदे 24 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया है शकील ने। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है शकील ने, बिल्कुल नतमस्तक करने पर मजबूर कर दिया है सलमान मिर्जा विदर कंपनी के गेंदबाजों की। बेहतरीन बल्लेबाजी, अब यहां से जिम्मेदारी कौन से गेंदबाज के कांधों पर दी जाती है। 12 गेंद 24 रन, यहां से ये बता दिया है शकील ने कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, 12 गेंद 24 रन, 12 गेंदे 24 रन, बिल्कुल अपनी जगह पर बने रहिए। अंजाम चाहे कुछ भी हो, खेल बड़ा दिलचस्प हो रहा है और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है। अब बहुत बड़ा ओवर है, बलराम पांडे प्रयागराज इलाहाबाद का ये होनहार खिलाड़ी अब इस टर्निंग प्वाइंट के ओवर में क्या करेगा। यहाँ से ये साफ तौर पर खरेमा के गेंदबाजों के लिए कहा जा सकता है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का काटा हमी से निकलेगा। अब जो भी कुछ करना है कुछ कर जाइए, यहाँ से वापसी करने का दरवाजा खोलना पड़ेगा। इस बार को हवाई रास्ता कैच नहीं छोड़ा है, मैच छोड़ दिया है। अक्सर हम सुनते हैं कि कैचेस विन मैचेस, कैच पकड़ते हैं तो जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर पर हाथ रखा बाबू राव कदम ने कि सलमान मिर्जा क्या कर दिया आपने, बहुत बड़ा मौका आया था। क्राउड कैच पर मैं देख रहा हूँ 150 का इनाम कर दिया गया है हिंदुस्तान ज्वेलर्स नकाब महल देवगांव प्रोप्राइटर सद्दाम शेख की जानिब से। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला ये चलता हुआ, आप तमाम लोगों का मोस्ट वेलकम और शुक्रिया किया गया है। स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 64, 64 रनों पर बलराम पांडे गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है बिलाल खान, चौक
का ये शानदार खिलाड़ी आजमगढ़ का कोहिनूर, लेग स्टंप के बाहर, संभवतः ये वाइट का सिग्नल आएगा। जी हाँ, वाइट का सिग्नल रवि मिश्रा जी का चुका है। एक के साथ स्कोर पहुंचा है 65 रनों पर। यहां से जीतने के लिए अभी भी कुल मिलाकर 22 रनों की दरकार है इस मुकाबले के, इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए। आप तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं डॉक्टर सुहेल साहब MBBS ननारी भी हमारे बीच मौजूद है, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। शहजेब जहां कहीं भी हो, अभिषेक भाई से आकर मिलने। ये तमाम लोग HM ग्रीन सिटी अलूमर क्रिकेट टूर्नामेंट को जो सपोर्ट किया गया है, स्पेशल थैंक्स टू बाबा पठान अबू सैयद खान। हियर वी गो, शॉट ऑफ डिलीवरी, ट्राई टू हुक द बॉल बट ओवर द शोल्डर्स, स्ट्रेट टू द हैंड ऑफ द राशिद विदाउट फॉर रन। आफ्टर सो मेनी डिलीवरीज वी विटनेसिंग अ सिंगल। स्कोर 65 रन। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है। अभी भी यहां से जीत के लिए 22 की जरूरत। एक बाउंस का इशारा भी आ चुका है कि दूसरी बाउंस होगी तो फिर नो बॉल करार दी जाएगी। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ, खूबसूरत माहौल में क्या जबरदस्त इस टूर्नामेंट को सपोर्ट मिला है। HM ग्रीन सिटी, हिंदू मुस्लिम ग्रीन सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट। ओ माय गॉडनेस, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। ये मैं कह सकता हूं कि शॉट ऑफ द टूर्नामेंट था। बिलाल खान पीके स्पोर्ट के ओनर का हेलीकॉप्टर निकाला, बिल्कुल उड़ान भरी और छक्के के साथ स्कोर को पहुंचाया है 71। 71 रन मात्र, महज 16 रनों की दरकार, 16 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जीतने के बाद बड़ा मेहरबानी गुजारिश कर रहा हूं कि कोई भी दर्शक खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, ये दोनों टीमों के लिए है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छे माहौल में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, आप लोग ग्राउंड के बाहर रहें, ग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। बलराम पांडे चल रहे हैं सामने वाले चोर से, राइट हैंड रोलर से देखे और ये कैच कर लिए गए हैं। बहुत बड़ा मौका आया है इस मुकाबले में, बहुत बड़ा मौका बिलाल खान का विकेट। अभी भी 16 रनों की जरूरत है। क्राउड कैच पर 200 का इनाम हिंदुस्तान ज्वेलर्स देगा। सद्दाम शेख बॉम्बे ज्वेलर्स सरायमीर की तरफ, इरफान साहब और नुमान शेख की तरफ सर, 250 रुपए का इनाम क्राउड कैच पर है। और मैं देख रहा हूँ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट से। स्कोर 71 रन है, 16 रनों की जरूरत है। लगातार हमारे साथ SS लैपटॉप कुंदनपुर, आफ्ताब परवेज साहब कुंदनपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और किसी को भी अगर सेकंड हैंड फर्निश्ड कम अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं। तो अब मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, 16 रनों की जरूरत है, 16 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और मैं देख रहा हूँ अकबर खान साहब महाप्रधान के प्रत्याशी फरियाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम और स्वागत किया जा रहा है। बहुत बड़ा मुकाबला है, ये साधु राव कदम के लिए तालियां बज रही है। कोच ऐसा ही होना चाहिए, लगातार जब से आए हैं लोगों का और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। अभी भी 16 रन चाहिए। अब कैप्टन ऑफ द टीम आबिद पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब यहां से क्या कुछ होगा ये ओवर डिसाइड करेगा। बलराम पांडे की आबिद आबिदुआ कई गेंद छुट्टी के साथ शुरुआत की है। आउट माना ले का ये शोर बता रहा है, ये शोर बता रहा है कि आबिद करेगा। देखो सच कहते हैं लोग कि देखे में लागे चोट, चोट करे बड़ी गंभीर। ये आबिद ने बहुत बड़ी चोट दी है और 10 रनों की जरूरत है। सामने से लोग बैठ जाए, सामने से बैठ जाए। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है दोस्त, क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। आबिद लगातार मैं देख रहा हूँ कि टीम के कैप्टन हैं और बिल्कुल स्कोर 77 रन हो चुका है, 10 रनों की जरूरत है। और
अब यहाँ से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर, कि खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिल चारों तरफ है रास्तों की तलाश कर। अब रास्ते तलाश करने पड़ेंगे को, रास्ते तलाश करने पड़ेंगे फाइन बिल्डिंग मटेरियल खड़े मा के बल्लेबाजों को। बहुत बड़ी गेंद, ये बलराम पांडे की आमिद के लिए, बल्ले का किनारा लगा, चार रन के लिए पानी लाइन के बाहर। शुरू हुआ है ना काम, मात्र छह रनों की जरूरत, मात्र छह रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। छह गेंदे छह रन, दो गेंद पर दस रन बनाकर पूरे मुकाबले के नक्शे को चेंज कर दिया है आबिद ने। ये आबिद बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, टीम के कैप्टन भी है। और अगर टीम का सरदार ऐसा होता है तो फिर टीम के बाकी खिलाड़ी बहुत उनके जो हौसले अफजाई हो जाते हैं। दो गेंद पर दस रनों के साथ, दो गेंद पर दस के साथ इस मुकाबले को बदल दिया है। छह गेंद छह रन, छह गेंद छह रन, छह गेंद छह रन, क्या होगा? छह गेंद छह रन, ये टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट है दोस्त, यहाँ से अभी बहुत कुछ बचा है। यही टूर्नामेंट है जहाँ पर एक टीम एक ओवर में तीन नहीं बना पाई थी, यही वो टूर्नामेंट है। इसके पहले जो टूर्नामेंट हुआ था, एक ओवर में 33 रन चाहिए था, बल्लेबाज ने 6 लगातार बाउंड्री लगा दी थी। क्रिकेट है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, लेकिन क्या जबरदस्त खेल दिखाया है। मैं उमर शेख का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्या बेहतरीन मुकाबला, क्या शानदार टूर्नामेंट कराया है। और आज एक मैसेज दिया है लोगों को, एक सैलाब जन सैलाब उमरा है आज नौनारी के सरजमी पे, और आज एक मैसेज दिया है मिस्टर उमर शेख ने कि इस शहर नामुराद की इज्जत कौन करेगा, इस शहर नामुराद की इज्जत कौन करेगा, और हम भी चले गए तो मोहब्बत कौन करेगा। एक मोहब्बत का पैगाम दिया है, लोगों का जोड़ने का काम किया है। ये रही सैफ की पहली गेंद, जबरदस्त खेल दिखाया है। वाकई में ऐसा खेल जब होता है तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट का आगाज चाहे जैसा हो, अंजाम बहुत ही लाजवाब रहा। क्या खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट एच एन ग्रीन सिटी अल उमर क्रिकेट टूर्नामेंट, उमर आज जो मेहनत रंग लाई है। और ऐसा टूर्नामेंट का जब पहला सेमीफाइनल मुकाबला हो जाए तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉफी की खूबसूरती है और बढ़ जाएगी। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कुछ ही पलों में शुरू होगा। आगे तो पहली सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी, अपने साथी कमेंटेटर धनंजय राय अर्जुन को खरेवा, विनिंग टीम को मुबारकबाद, आबिद एंड कंपनी फाइन ग्रुप खरेवा, मिलते हैं अगले मैच में। पाठ होता है हार और जीत तो टीम का एक हिस्सा है, खेल का एक हिस्सा है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के खेल में, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। और जोगरे माउ की टीम में मैं देख रहा हूँ कि अंकित